रत्न अटल जी की कलश यात्रा कल पहुंचेगी पानीपत। भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रमोद विज ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। शहीद मोहिंद्र कुमार रंजन की 28वीं पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन। गांव नवादा आर में फिरनी बनाने का निर्माण ठीक ढंग से न होने के कारण ग्रामीणों ने खंड कार्यालय पर किया रोष प्रदर्शन। जन सेवा दल पानीपत ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पानीपत की जनता से केरल बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता के लिए किया आग्रह। गांव जलालपुर के राजकीय व प्राइवेट स्कूलों में 3 दिवसीय खंड स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंत रोड पानीपत व GT रोड संभाल का। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथोराइज डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। अपो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज। अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत। वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। पानीपत धनादन के साथ मैं हूं पिंकी धीमान। आइए धनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां अब यमुना नदी में भी विसर्जित की जाएंगी। 23 अगस्त को उनकी अस्थियों का कलश पानीपत से होते हुए यमुना नगर ले जाया जाएगा। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल जी की अस्थि कलश यात्रा में बहादुरगढ़ बॉर्डर से एक अस्थि कलश सोनीपत, पानीपत, घरोंडा, करनाल, इंद्री, लाडवा और रादौर होते हुए यमुना नगर पहुंचेगा। आज इस यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रमोद विज ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ PWD रेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन कर सभी कार्यकर्ताओं की यात्रा के दौरान ड्यूटियां लगाई। इस यात्रा में स्मारखा से लेकर पानीपत टोल प्लाजा तक की सीमा के कस्बों और गांवों के समाज के विभिन्न वर्गों के लोग अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। अटल जी की कलश यात्रा का कल रात्रि पानीपत PWD रेस्ट हाउस में ही विश्राम होगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के नाम किया, भारतीय जनता पार्टी को तो उठाया, उसको बनाया, उसको बड़ा किया, लेकिन इस राष्ट्र के निर्माण करने में, चाहे वो पोखरण से शुरू हुआ, जो योगदान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का है वो भूल नहीं सकता कोई भी आदमी। तो राष्ट्र को इकट्ठा करने की ये वजह भी है कि आज राष्ट्र निर्माण की दिशा में हम जा रहे हैं और विश्व गुरु बनने की तरफ प्रोग्रेस है हम लोगों की, तो उसके लिए इस जगह को भूल ही नहीं सकते। हरियाणा की 2 दिशाओं से अस्थि कलश यात्रा आ रही है, किस किस रोड से और कितना लोग मतलब श्रद्धांजलि देंगे, किस किस रास्ते से? मुझे तो ये लगता है कि हर कस्बे में, हर गांव में लोग खड़े होंगे। और ये यात्रा जो है हमारे यहाँ सोनीपत से आके, हल्दाना बॉर्डर से अगर आकर, पट्टी कल्याणा से होते हुए समालखा में, समालखा से रास्ते में मिथरौली पड़ाव आएगा, उसके बाद नांगलखेड़ी आएगा, उसके बाद गोहाना रोड पे है, रेलवे रोड पे है, लाल बत्ती चौक में है, इसी तरह रेस्ट हाउस में रात को विश्राम है और अगले दिन सुबह फिर यात्रा इसी रेस्ट हाउस से फिर यात्रा यहाँ से शुरू होके अगले दिन 23 तारीख को सुबह 9 बजे शुरू होके यहाँ से तहसील कैंप के बाद बड़ोली गांव में, उससे पहले जमुना इंक्लेव चौक पे, सभी जगह सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए आएंगे। बीजेपी के जो विधायक है वो सरकार का चेहरा है पब्लिक में,
क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, वो लोग भी मौजूद रहेंगे कल? बिल्कुल, सभी लोग, मंत्री जी भी मौजूद रहेंगे, सब। हमारी रात को भी मीटिंग हुई थी, कल रात को हमारी बैठक चली, तकरीबन 11:30 बजे तक बैठक चली व्यवस्था की दृष्टि से, और वो लोग भी थे, सभी विधायक भी थे, तो इसकी व्यवस्था में वो भी शामिल है। आज मेरी जिम्मेवारी लगी थी इस मीटिंग को करने की, जो मैंने अभी सभी मंडल अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं, सभी मोर्चों के जिला के अध्यक्ष आए हुए हैं, प्रमुख कार्यकर्ता आए हुए हैं, और सभी लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे जब कलश यात्रा आएगी तो उस पर अपने फूल अर्पण करेंगे। आपने जिम्मेदारियाँ बांटी हैं, आपने जिम्मेवारियाँ बांटी हैं, मंडल की जिम्मेवारियाँ, मोर्चों की जिम्मेवारियाँ, प्रमुख कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियाँ बांटी हैं आज। शहीद मोहिंद्र कुमार रंजन की 28वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन शहीद रंजन कुमार के पुत्र राजीव रंजन, पंकज अरोड़ा व अतुल सक्सेना ने किया। उनका कहना है यह रक्तदान शिविर का आयोजन शहीदों की स्मृतियों को वंदन करते हुए किया गया है, क्योंकि रक्त की बूंदें किसी घायल के प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। इस मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री देवेंद्र दत्ता भी मौजूद रहे और उन्होंने शहीद मोहिंद्र कुमार रंजन और अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्प अर्पण किए। आज उनकी शहादत की 28वीं पुण्यतिथि है, आज स्मृति दिवस है। उन वीर गति प्राप्त हुए दोनों शेरों को याद करने की, डॉक्टर महेंद्र रंजन जी और तेलू राम जी की शहादत को याद करने की, आज 28वीं पुण्यतिथि है। आज उनकी याद में रक्तदान शिविर लगाया, ऐसे रक्त की बूंद किसी के जीवन की, किसी के प्राणों की रक्षा कर सकती है, ऐसा मन में संकल्प लेकर के हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। पानीपत जन सेवा दल द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने पानीपत की जनता से केरला बाढ़ में फंसे लोगों की राहत सामग्री के लिए सहायता का आग्रह किया। पानीपत जन सेवा दल हमेशा से लोगों की सेवा करता आया है और इस बार केरल बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता के लिए पानीपत की जनता से सहायता का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इस हफ्ते में वे कम से कम 2 ट्रक राहत सामग्री जैसे सूखा दूध, बिस्किट, बेडशीट और कपड़े आदि से केरल के लिए रवाना करेंगे। हम जन सेवा दल की ओर से पानीपत नगर वासियों को, गाँव वासियों को, सामाजिक संस्थाओं से प्रार्थना करते हैं कि जो केरल में आपदा बाढ़ आई है उसकी सहायता के लिए हम आप सभी से सहयोग की अपील करते हैं। इस अपील में आप हमारा साथ दें, जिसमें चावल, दाल, सूखा दूध, चाय पत्ती, कंबल, बिस्तर, चादर, जो भी बिस्किट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें और जितना हो सके कैश का भी सहयोग करें, ताकि हम वहाँ जाकर देखें जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है वहाँ, उन तक हम उनको चेक देकर जन सेवा दल की ओर से जितना उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। मेरी पुनः हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि हमारा सहयोग करें। केरल में जो आपदा आई है उसमें पानीपत से जन सेवा दल के सहयोग से और पानीपत की सारी पब्लिक से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितना धन मन तन से जितना हो सके हमारे को सामान देवे, और जिसमें हमें कंबल, दूध, चीनी, ये आइटमें 5-6 जो बता रहा हूँ ये हमारे को दे, और यहाँ से हम इसी हफ्ते में पानीपत से 2 ट्रक लेकर जाएंगे। ये जो केरल में आपदा आई है इसके अंदर हम जो जन सेवा दल की तरफ से जो हम सहयोग कर रहे हैं, आटा, दाल, चावल, सूखा दूध, पानी, कंबल, चदरे, बेडशीट वगैरह है, जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से सहयोग करना चाहते हैं, हम हमारा उससे ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। नवज्योति मॉडल स्कूल जलालपुर प्रथम में लड़कियों की राजकीय व प्राइवेट स्कूलों की 3 दिवसीय खंड स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला खेल सहायक शिक्षा अधिकारी श्रीपाल बसंत ने लड़कियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हर क्षेत्र में लड़कियां अपनी प्रतिभाएं दिखा रही हैं। हर क्षेत्र में लड़कों के बराबर लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। वे लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत लगन से आगे बढ़ें। खेल जहां हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, वहीं आपसी भाईचारा भी बढ़ाता है। कबड्डी अंडर 14 आयु वर्ग में कबड्डी में नवज्योति मॉडल स्कूल जलालपुर की टीम प्रथम, राजकीय स्कूल जलालपुर की टीम द्वितीय रही। खो खो में नवज्योति मॉडल स्कूल लालपुर की टीम प्रथम और राजकीय स्कूल भलोर की टीम द्वितीय रही। 400 मीटर दौड़ अंडर 19 आयु वर्ग में सिमरन नवज्योति मॉडल स्कूल जलालपुर प्रथम रही। आज यहाँ नवज्योति स्कूल में लड़कियों का खेल तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। यहाँ पर आसपास के गांव की लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कि लड़कियाँ ने बहुत ही जोरदार प्रदर्शन किया, और इसमें भी ये साबित होता है कि लड़कियाँ हर क्षेत्र में लड़कों से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, और उसमें लड़कियाँ किसी भी फील्ड में लड़कों से पीछे नहीं है इसमें, बल्कि लड़कियों का ना हौसला उत्साहित करने की जरूरत है कि उनमें ये जागृत करना है कि वो लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है।
सकता है, एशियन गेम चल रहे हैं जो जिनमें ऐसे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं वो भी बहुत आगे तक जाएंगी। मेरा मानना है कि अगर इन लड़कियों को थोड़े से सपोर्ट की, उत्साहित करने की, प्रोत्साहन देने की जरूरत है। टैलेंट बहुत है, गाँव में भी शहरों में भी बहुत टैलेंट है। गाँव नवादा आर के ग्रामीणों ने पंचायत प्रखंड प्रशासन पर मिलीभगत कर गाँव की नालियां और फिरनी का काम ठीक ढंग से ना करवाने पर खंड प्रशासन पर आरोप लगाते हुए खंड कार्यालय में रोष प्रदर्शन किया। गांव नवादा आर के ग्रामीणों ने अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में खंड कार्यालय पर पहुंचे और खंड कार्यालय पर गांव में ऐसी मोहल्ले में पंचायत व खंड प्रशासन द्वारा फिरनी को पक्का करने के कार्य में भेदभाव करने के आरोप लगाए और कहा कि पंचायत विभाग गरीबों के मकानों के पास फिरनी का ढलान कर रही है जिसमें उनके घरों के पास गांव का गंदा पानी भरा रह सकता है। इस पर पंचायत के द्वारा कराए जा रहे फिरनी के कार्य को रुकवाया और खंड कार्यालय में मांग पत्र दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पंचायत व खंड प्रशासन जय के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। आज हम सनोली ब्लॉक के नवादार गांव के अंदर फिरनी का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है जो कि अनुसूचित जाति के परिवारों के साथ लगती है। फिरनी के एक तरफ ऐसी परिवारों के घर हैं तो दूसरी तरफ जो है कुछ दबंग श्रम जातियों के घर हैं। पंचायत जेई और तमाम जो बीडीपीओ दफ्तर हैं इसकी मिली भगत के चलते फिरनी का ढलान अनुसूचित जाति के परिवारों की तरफ किया जा रहा है, अनुसूचित जाति की चौपाल की तरफ किया जा रहा है और उन शरणों के दबंगों के घरों का जो गंदा पानी है, उनके पशुओं का जो मल मूत्र है, शौचालय के साथ से निकलने वाला जो पानी है, घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, बारिश का पानी है, वो तमाम पानी का ढलान जो है वो अनुसूचित जाति के परिवारों की तरफ किया जा रहा है। हम इसकी भी जो है मतलब जांच की मांग करते हैं और फौरन हम मतलब जो है इस बात के लिए मांग उठाते हैं कि गाँव में बीडीपीओ दफ्तर जो है मौका मुआयना कर समस्या की गंभीरता को देखे, क्योंकि उस गाँव के अंदर पहले भी जो है अनुसूचित जाति के परिवारों पर जो है उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर, अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 9253342393।